दो मिरर हैं, मिरर वन और मिरर टू, और वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज का, वो होता है 360 अपॉन थीटा माइनस वन। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन इसके दो केसेस होते हैं। एक होता है 360 अपॉन थीटा अगर इवन नंबर आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला यही होगा, 360 अपॉन थीटा माइनस वन, यही होगा नंबर ऑफ इमेज का। लेकिन ये वैल्यू 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर ऑड आ रही है, इस केस में दो सिनेरियो होते हैं। पहला होता है सिमेट्री का केस, पहला होता है सिमेट्री का केस, और दूसरा होता है एसिमेट्री का केस। दोनों में क्या डिफरेंस है सिमेट्री और एसिमेट्री में? जैसे दो मिरर हैं, दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर ये लाइन होगी। तो ऑब्जेक्ट अगर इस एंगल बाइसेक्टर पे कहीं रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे कहीं रखा है, तो इसको सिमेट्री बोलेंगे। अगर ये दोनों मिरर के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, यानी ये एंगल थीटा बाई टू, ये एंगल थीटा बाई टू, ये एंगल भी थीटा बाई टू, क्योंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस लाइन पे नहीं रखा है, साइड में कहीं इधर 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 कहीं रखा है, तो ये एसिमेट्री का केस होगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होगा, सिमेट्री वाले केस में जो नंबर ऑफ इमेज होगा, यानी ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज होगा 360 अपॉन थीटा माइनस वन, और एसिमेट्री के केस में 360 अपॉन थीटा होगा जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा है, इन दोनों केसेस में।